शौकत कम जुदास मो शौकत शान जन्नत अस्सलाम वालेकुम मे तुंद फादर मुलाकात फिर चोन वोट तो मिले गुमें चकर बह दिम चकर सार नश वो तो मान बदल मंसूर जनाब हमेशा नहीं मैं आपके ही वोट के लिए नहीं आया हूँ उसका खुद कर रिश्तेदार दोस्त बाकी ये हर बहुत कम टाइम मिलता है अपने इलाके में वापस जाने का। आज ये बेहतरीन सुनहरी मौका है कि मिल लेते लोगों से, उसी में ये भी देखते हैं खैर खबर भी ले लेते हैं सबकी, और खुशी होती है जब इंसान अपने रफीकों शफीकों दोस्तों से मिले, अपने सपोर्टर से मिले और वैसे ही अपने लोगों से मिले जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। सर यहाँ पे तो आपने कंपनी स्टार्ट की तो उड़ी के बारे में क्या कुछ सोचा है आपने? मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करता हूँ, उड़ी में भी करूँगा ज़रूर, हर जगह करूँगा। क्या उड़ी में इलेक्शन? कल आइए, कल मैं बारामूला में हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, हर एक जगह करूँगा, जहाँ जहाँ शहर श्रीनगर की सभी सीटों में करूँगा, हर जगह करूँगा। उड़ी में भी आप इलेक्शन? हाँ हाँ, जितना टाइम मिलेगा मैं तो हर जगह लड़ रहा हूँ, जहाँ से मेरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो वहाँ से तो मैं ही लड़ रहा हूँ ना, तो मेरा तो मैं ही लड़ रहा हूँ ना, मैंने कहा ना मेरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं ही लड़ रहा हूँ। मैं तो आवाम से अपील करूँगा, जो भी अपनी पार्टी का कैंडिडेट है वो समझिए अल्ताफ़ बुखारी है, आप अल्ताफ़ बुखारी को नज़र में रखे वोट दीजिए क्रिकेट बैट पर। सर तो लीडर जो बाकी पार्टियों की मुखालफत कर रहे थे, आज वही पार्टी जो ज्वाइन कर रहे हैं, इस हवाले से क्या चलता है? इलेक्शन ऐसा चलता रहता है, खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए, किसी भी जगह से कर लेते हैं लोग, मुझे किसी की तनकीद करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर रशीद के हवाले से हमें थोड़ा बताइए, अल्लाह करे जल्दी अल्लाह करे जल्दी रहा हो जाए। आपको लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन में उसके रिहा होने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए रहा ही, पहले तो उसके घर वालों को फर्क पड़ेगा, उसके घर में ईद मनाई जाएगी, वो क्या कम है? कोई भी जब कैदी रहा होता है तो उस घर में ईद होती है, उस सोसाइटी में ईद होती है, उस शहर में ईद होती है, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में ईद होगी। थैंक यू।